पत्नी खाती थी सुपारी, गुस्साया पति तो मामला पहुंच गया पुलिस के पास। ताजनगरी आगरा की अनोखी खबर ने मचाया धमाल। पति ने अपने ही अंदाज में की घरवाली की शिकायत, अधिकारी भी हो गए हैरान। इस मामले में क्या एक्शन लें समझ नहीं आ रहा है। पत्नी ने एक से दो बार सुपारी छोड़ने से कर दिया साफ इनकार, तो वहीं इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं। दो दिलों के बीच एक ऐसे विलन की एंट्री हुई है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये इतिहास का शायद ही पहला मामला होगा जहां पति सुपारी खाने हिचकता है, लेकिन उसकी पत्नी दिन में एक दो बार नहीं 5 से 6 बार सुपारी खाती है। इसी वजह से मामला पुलिस के पास पहुंच गया। वहीं प्रेम की नगरी आगरा से जब ये मामला सामने आया तो सुनकर हैरत में पड़ गए। बता दें, ताजगंज क्षेत्र की रहने वाली युवती की शादी वर्ष 2022 में हरी पर्वत के रहने वाले एक युवक से हुई थी। दोनों में सब कुछ अच्छे से बीत रहा था, लेकिन पत्नी की सुपारी खाने की आदत ने घर में विवाद कर दिया। पत्नी दिन में करीब 5 से 6 बार सुपारी खाती थी। पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने पत्नी से सुपारी न खाने के लिए कहा। जब पत्नी नहीं मानी तो दोनों में क्लेश हो गया। पति पत्नी में विवाद बढ़ने के बाद पत्नी बिना बताए करीब 6 महीने पहले अपने मायके चली गई, लेकिन जब पति उसे लेने नहीं आया, पत्नी ने पति को कॉल किया तो पति ने साफ कह दिया कि जब तक तुम सुपारी खाना नहीं छोड़ोगी तो मैं घर वापस नहीं लाऊंगा। इसके बाद पत्नी ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र में स्थानांतरित कर दिया। परिवार परामर्श केंद्र पर पति और पत्नी की काउंसलिंग की गई, जहां पति ने काउंसलर को बताया कि वो पत्नी की सुपारी खाने की लत से परेशान है। पत्नी दिन भर सुपारी चबाती रहती है, उसे पत्नी का सुपारी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज परामर्श केंद्र पर अजीब प्रकार का केस आया। थाना हरी पर्वत की लड़की थी और थाना ताजगंज का लड़का। लड़की की शादी 2022 में हुई थी और लड़का सर्विस करता है। लड़का का कहना ये है कि सर, ये शुरू से ही सुपारी खाती है और मैंने इसको पिछले 6 महीने से छोड़ दिया है, अपने मायके रह रही है। मेरा कहना ये है कि सुपारी को मतलब छोड़ देगी तो मैं लेने आ जाऊँगा। लड़की का कहना ये है कि सर, मैं दिन में एक बार खाती हूँ और मैं क्या नाम है, मैं पूरा काम करती हूँ और सब कुछ रखती हूँ। मेरा बच्चा भी है, उसका भी मैं पालन पोषण करती हूँ, परंतु मेरा कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ ये मेरे पे शक करते हैं कि ये सुपारी खाती है। तो मैंने उनसे पूछा कि सुपारी खाती है? बनी हाँ सर, मैं खाती हूँ। सर दिन में 4-5 बार हो जाते हैं इसका सुपारी खा के, और मेरे को बहुत परेशान करती है। कहती है कि सुपारी ला के दो मेरे को। अब मैं कहाँ से सुपारी ला के दूँ सर? अब मेरा कहना ये है कि सुपारी नहीं खाए और मैं इसको ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो लड़की से मैंने बात की, लड़की ने बोला है कि सर, दिन में एक बार सुपारी खाऊंगी और मैं धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा। तो दोनों का मैंने राजीनामा करा दिया है, समझा दिया है, तो दोनों का राजीनामा हो गया और अपने चले गए। बता दें, परिजनों के समझाने पर पति अपनी पत्नी को दोबारा घर लाने को राजी नहीं हुआ, तो मामला पुलिस के माध्यम से परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंचा, जहां काउंसलिंग के बाद पति पत्नी के बीच साथ रहने पर सहमति बन गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से मान मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।